सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो खाने को लेकर होती है, और आज खाने से संबंधित एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको, 50-80% बीमारियां अपने आप ही कम हो जाएंगी। माइंड के लिए भी टेक्निकल लेकर आता हूँ, और अपनी बॉडी की जो बुरी बॉडी की जो सिस्टम है उसके लिए मैं स्वास्थ्य लेकर आता हूँ। ए टू जेड वैदिक ज्ञान के टेक्निकल सिंह में आप टेक्निकल वीडियो देख पाओगे, और ए टू जेड वैदिक ज्ञान स्वस्थ जीवन में आप शरीर से रिलेटेड सारी वीडियो देख पाओगे। रात को ना खाना खाने से आपका जो माइग्रेन सिस्टम है, जो माइंड सिस्टम है, जो सिर है, वो आपको धीरे 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 उसकी रिकवरी होती चली जाएगी। जो सूरज छिपने के बाद सिर्फ बॉडी का मेंटेनेंस सिस्टम एक्टिव रहना चाहिए। एक भी नुकसान रात को खाना ना खाने से नहीं है, वो हमारा मेंटेनेंस सिस्टम उस खाने को बचाने में लग जाता है और वो मेंटेनेंस नहीं कर पाता। जो चीज़ चलती है वो डैमेज भी होनी है, जो चीज़ चलती है वो उसमें रुकावट तो आनी आनी है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा चलती रहे। रात का खाना स्किप करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी बॉडी का मेंटेनेंस सिस्टम कंटिन्यू चलेगा। इस सड़क, जिस घर या जिस फैक्ट्री या जिस मशीन की मेंटेनेंस जो है वो कंटिन्यू या वो बराबर अंतराल पर होती रहेगी, तो वो मशीन, वो सड़क, वो घर, वो हर चीज़ आपकी बराबर चलती रहेगी बिना रुकावट के। तो मेंटेनेंस सिस्टम को जो एक्टिव करती है वो चीज़ आती है, इस नाइट्रो ऑक्साइड बोलते हैं उसको। इतने फायदे हैं इसके कि आप गिन नहीं सकते हो। सिर्फ एक खाने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, बहुत सारी बीमारियों से तो आप रात को खाना स्किप करने के बाद ही ठीक होते चले जाओगे। हम रात का खाना किस टाइम तक खा लेना चाहिए, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, मेंटेनेंस करना वो शुरू कर देता है। यही जरूरत छिप जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं जो आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके पेट के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत ही कारगर है। और आप ये हम आज बहुत अच्छी वादियों में आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ हरे हरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो वैसे तो इन पहाड़ों में रहने वालों के लिए तो नियम अपने आप ही बने हुए रहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी चढ़ते उतरते रहते हैं, तो इन्हें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हमारे आज के जीवन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो खाने को लेकर होती है, और आज खाने से संबंधित एक ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको कि आप हमेशा उसको याद रखोगे, आप हमेशा उसको अपनाओगे, तो आपकी 50-80% बीमारियाँ अपने आप ही कम हो जाएंगी। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, मैंने भी बहुत आजमा के देखा, इससे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं इसके कि आप गिन नहीं सकते हो। सिर्फ एक खाने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, तो हमें खाना तो सभी अलग अलग बहुत ज़्यादा होता है। कोई सुबह खाता है, कोई दोपहर खाता है, कोई शाम खाता है, कोई हमेशा ही खाता रहता है, तो कोई टाइम ही नहीं है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाओ, हमेशा खाते रहो। नहीं, ये हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो क्षेत्र है, ये ऐसा है कि इसमें आप जो है हमेशा नहीं खा सकते हो। इसके लिए आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा आपको कि हमें रात का खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए। तो हम मैं आज आपके लिए इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि हम रात का खाना किस टाइम तक खा लेना चाहिए। तो हमें रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश कर देना चाहिए। 8 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम 7-8 बजे के बाद खाने के लिए जा रहे हैं तो हमें वो स्किप कर देना है, हमें नहीं खाना है। अगर आप नहीं भी खाओगे तो आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी, बशर्ते उस पे आपको जो ध्यान देना है आप अपनी बॉडी पे जब ध्यान दोगे। अगर आप रात का खाना स्किप करते हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम शाम के टाइम अपना बिस्तर पर चले जाते हैं तो उस समय 7-8 बजे के जैसे सूरज छिप जाता है, तो सूरज छिपने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो मेंटेनेंस सिस्टम है, वो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करना वो शुरू कर देता है। जैसे सूरज छिप जाता है, सूरज छिपने के बाद सिर्फ बॉडी का मेंटेनेंस सिस्टम एक्टिव रहना चाहिए और कोई एक्टिव नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आप मजबूत, बढ़िया, बीमारी रहित रहोगे। तो मेंटेनेंस सिस्टम हमें चालू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस सिस्टम हमें चालू रखने के लिए हमें रात का खाना स्किप करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, रात का खाना जब हम खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारा मेंटेनेंस सिस्टम है, वो हमारा मेंटेनेंस सिस्टम उस खाने को पचाने में लग जाता है और वो मेंटेनेंस नहीं कर पाता।
पूरे दिन में जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ काट पेट चोट फैट दर्द वर्द कुछ जो भी हुआ है, अगर हम रात का खाना स्किप करेंगे या 7-8 बजे से पहले हम खा लेंगे, तो जब सूर्य छिपता है तो उसके बाद तक 1-2 घंटे में वो पच जाएगा, और पचने के बाद फिर हमारी जो बॉडी है वो हमारी बॉडी मेंटेनेंस सिस्टम में लग जाएगी, हमारा मेंटेनेंस सिस्टम बॉडी को रिपेयर करना शुरू कर देगा, और हम फिर सुबह जो है स्वस्थ उठेंगे, अच्छे उठेंगे, बिना दर्द के उठेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो रात का खाना वैसे तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसको बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, वो लेट आते हैं तो वो क्या करें, तो भाई वो थोड़ा पहले खा लें, खाने की कोशिश करें, ना खाएं अगर ना हो सके तो सबसे अच्छा है आप 8-9 बजे तक मैक्सिमम खा सकते हैं, 8-9 बजे तक तो सभी घर भी आ जाते हैं, उससे बाद में बिल्कुल भी ना खाएं। आपकी बॉडी अगर आप उससे बाद में खाओगे, देखो आपको मैं दो चीज़ बताता हूँ, एक 2 दिन आप या 3 दिन आप जो है 7 बजे खाना खाओ शाम को, और उसके बाद खाना नहीं खाना है, और जब सुबह उठोगे जब महसूस करना कि आपकी बॉडी कैसी है, और फिर आप 10-11 बजे खाना खाओ और सुबह उठना फिर महसूस करना कि आपकी बॉडी कैसी महसूस कर रही है, कैसा महसूस कर रही है, फीलिंग कैसी आ रही है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो आपने 7 बजे से पहले खाना खाया जिस दिन 3 दिन, उन 3 दिन में जब आप सुबह को उठोगे तो आपकी बॉडी एक तरोताज़ा महसूस करेगी, जोश होगा उस बॉडी के अंदर, आपको लगेगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, नेस्ती नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, आलकस नहीं आया हुआ है, चेहरे पर 12 नहीं बज रहे हैं। वो आप सुबह को अगर खाना दबा के खाते हो, दोपहर को उसका आधा खाते हो, शाम को खाते ही नहीं हो, स्किप कर देते हो, या 7 बजे से पहले उसका आधा हाफ खाते हो, तो आपकी बॉडी बहुत बढ़िया करेगी। और रात को खाना खाने के तो नुकसान आज तक आपने सभी ने देख लिए हैं, मोटापा बढ़ता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं रात को वो पचता नहीं है, वो सड़ जाता है, उसमें जो है धीरे धीरे गंद फैल जाता है, पूरी आँख में पूरे पेट में जो है वो सब बिखर जाता है, इधर उधर डैमेज करता है वो चीज़। लेकिन अगर आप सब शाम को रात को अगर आप खाना नहीं खाओगे, अगर आप रात का खाना स्किप करोगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी बॉडी का मेंटेनेंस सिस्टम कंटिन्यू चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, और ऐसा होगा कि आप धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों से, तो आप रात को खाना स्किप करने के बाद ही ठीक होते चले जाओगे।